ज्ञानवापी परिसर में एएसआई के सर्वे का काम चल रहा है, जिसका आज यानी बुधवार को सातवां दिन है। इसके अलावा जिला अदालत में इस मामले से संबंधित कई याचिकाओं की सुनवाई भी जारी है। कई मामले दायर किए गए हैं और उनमें से ही एक याचिका मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की दायर की गई, जिसकी आज जिला अदालत में सुनवाई हुई। यह याचिका वाराणसी जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में मंगलवार को ज्ञानवापी परिसर के संबंध में सर्वे को लेकर मीडिया की कवरेज से नाराज अंजुमन इंतजामिया मजाजिद कमेटी की ओर से दायर की गई थी। इस सुनवाई में कोर्ट ने मीडिया को यह निर्देश दिया कि मीडिया को अपना जो कवरेज चलाना है वह चला सकते हैं, लेकिन साक्ष्यों को लेकर कोई भी तथ्य कोई भी बात बिना कोर्ट के निर्देश के न चले। इसे पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जाए ताकि किसी भी प्रकार की भ्रांति ना फैले। मीडिया के संदर्भ में कोर्ट ने कहा है कि आप ये जो कार्रवाई एसआई कर रही है इसको पब्लिक डोमेन में ले जाने से आप बचे हैं। सही या गलत जो रिपोर्टिंग आपकी हो रही है साक्ष्यों के संदर्भ में कि ये साक्ष्य जो है ये मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं, इन सब कवरेज करने से मीडिया को बचना चाहिए। आप अपनी बात करिए, लेकिन जो सर्वे हो रहा है वो सारी तथ्य सारे साक्ष्य सारी रिपोर्टिंग कोर्ट के पटल पर रखना हो, ये गोपनीय दस्तावेज होगा और बिना कोर्ट के पटल पर आए पब्लिक डोमेन में नहीं जाना चाहिए। मीडिया को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अंदर क्या कार्रवाई हो रही है इन कार्रवाइयों पे रोक कहा जाए कि इससे जो है कवरेज करने से बचा जाए। ये माननीय न्यायालय ने जो है निर्देश दिया है, सलाह दिया है मीडिया कर्मियों को। वही मीडिया कवरेज पर रोक के साथ वाराणसी कोर्ट में आज एएसआई के द्वारा शुल्क न जमा करने वाली याचिका पर भी सुनवाई हुई। इसके लिए हिंदू पक्ष द्वारा ऑब्जेक्शन लगा दिया गया है। वहीं अब 17 अगस्त को इस पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने इस मामले को लेकर 17 अगस्त की तारीख नियत की है। इस पे हमारा ऑब्जेक्शन लग चुका है, इस पे हम लोग आपत्ति अपना 17 तारीख का समय दिया है कोर्ट ने, हम अपने आपत्ति को लगाएंगे 17 तारीख को, 17 को लगेगा इस पे। सभी विषयों पे सुनवाई 17 को। बिल्कुल बिल्कुल, सभी जो है मूल विषय जो हमारे मूल वाद हैं मूल मुकदमे पर 17 को सुनवाई होगी। 17 अगस्त।